नमस्कार, मैं हूँ प्रीता उपाध्याय दीक्षित और बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए, आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका हम परिचय करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ इंदौर से मौजूद है प्रीति दुबे, जो GPS हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचर है, और साथ में मौजूद है श्रेया यादव, जो GPS हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट है। लक्ष्य में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो प्रीति जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे ही सवाल करके करूंगी। आप एक शिक्षक हैं, तो सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है। थैंक यू सो मच बंसल न्यूज़। मैं JPS स्कूल में साइंस की टीचर हूँ, और जो साइंस के स्ट्रीम से हम JPS स्कूल जो है हमारा, वो पिछले 22 सालों से संचालित हो रहा है बारगंगा के सुंदरनगर क्षेत्र में, जिसमें हम बच्चों को सही शिक्षा के साथ साथ उच्च क्वालिटी के एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा संस्कारों के साथ प्रदान कर रहे हैं। जी, अब मैं प्रीति, श्रेया आपके पास आना चाहूँगी। आप कौन सी क्लास में हैं और क्या आपकी अभी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम्स की, अपने बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ का थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ आकर बोलने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं मेरी पढ़ाई में बहुत सारे एफर्ट लगा रही हूँ, उसके साथ साथ मेरे स्कूल से मुझे हर तरीके से हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में हमारा सारा कोर्स कम्प्लीट हो चुका है, जिसके साथ साथ हमें रिविज़न भी स्टार्ट कराया गया है। देन स्कूल में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके साथ साथ हमें स्किल्स और प्रैक्टिकल्स पर भी वर्क कराया जा रहा है, जिसके साथ साथ हमें बेस्ट फैकल्टीज़ भी दी जा रही हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करें, अच्छा हाईएस्ट स्कोर करके हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। बिल्कुल, प्रीति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि स्कूल में बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ और क्या अदर एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती है, विस्तार से बताइए। जी मैम, अभी जो आजकल जो एजुकेशन है वो पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन से भी चेंजेस आया है। ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो विजुअली और जो टेक्निकली एजुकेशन से ज़्यादा जल्दी से सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। इसी को देखते हुए जो हमारा स्कूल JPS है, वो बच्चों को स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ा रहा है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमारे स्कूलों में है, और जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो करवाते हैं हम, साथ ही जो कंप्यूटर लैब है वो भी है, और वाईफाई की सुविधाओं के साथ में जो रेगुलर जो लेक्चर्स होते हैं वो स्मार्ट क्लास के द्वारा संचालित किए जाते हैं। और बच्चों को बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे हैं प्रैक्टिकली अगर उन्हें पढ़ाया जाए तो वो बहुत जल्दी से उसे समझ सकते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को ट्रेडिशनली और स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं। बिल्कुल मैम, अगर प्रैक्टिकल थ्योरिकल के साथ अगर प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। प्रीति मैम, अगला सवाल भी मेरा आपसे ही है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में कराई जाती है जिससे बच्चों का ऑलराउंडर विकास हो सके और वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, एक्टिव रहे, क्या कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती हैं? जी मैम, इसके लिए हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं और डांस एक्टिविटीज़ करा दी जाती है, गेम्स के सारे स्पोर्ट्स के लिए भी सारे पीरियड्स लगते हैं, साथ ही बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए और उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो भी उन्हें थ्योरिकल पढ़ाया जाता है उसे हम उसे प्रैक्टिकली जो कि वो अपने आगे लाइफ में जाकर उसको यूज़ कर सकें, ऐसे
प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। और एक्टिविटी में देखे जाए तो स्पोर्ट्स के साथ साथ में डांस, कराटे क्लासेस, ये सारे गेम्स भी हम स्कूल के द्वारा कराते हैं। और श्रेया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल में? मैम, सबसे पहले तो मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो मेरी सिंगिंग है। मैं फ्री टाइम में सिंगिंग करना बहुत पसंद करती हूँ, जिसके साथ साथ मैं म्यूज़िक भी सुनती हूँ। क्लासिकल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ मुझे डांस में भी बहुत इंटरेस्ट है। और मैं स्कूल में जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी में पार्ट लेती हूँ, और साथ ही साथ जो भी स्कूल में नई स्किल्स पर वर्क करवाया जाता है और सभी में पार्टिसिपेट करती हूँ। बिल्कुल प्रीति, मैं आपसे माफ़ कीजिएगा श्रेया, श्रेया मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ये अदर एक्टिविटीज़ की बात की, इसके साथ आप पढ़ाई कैसे करती हैं? एग्ज़ाम टाइम जो होता है खासकर, उसमें आपका टाइम टेबल, आपका आपकी दिनचर्या क्या होती है, और कैसे आप सब्जेक्ट वाइज अपने एग्ज़ाम की आप तैयारी करती हैं? जी मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे 12th के जो एग्ज़ाम हैं बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मॉर्निंग में 5 to 5:30 o'clock में गेटअप हो जाती हूँ। देन उसके बाद में मैं थोड़ी देर अपना वर्क जो रिवाइज़ है रिवाइज़ करती हूँ। जिस सब्जेक्ट्स में मुझे थोड़ा ज़्यादा डाउट्स वगैरह लगते हैं वो डाउट्स निकालती हूँ, ताकि मैं स्कूल में जाकर टीचर से कंसल्ट कर सकूँ, मेरे डाउट सॉल्व कर सकूँ। और दिन भर में मेरे पास 12 hours होते हैं, तो जिसमें से 4 hours में स्कूल को देती हूँ, देन 4 hours में अपने अदर एक्टिविटी, घर के काम और जो मेरे अदर वर्क्स होते हैं उसमें देती हूँ। देन मैंने 4 hours स्टडी के लिए डिसाइड किए हैं, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर जो टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से क्लियर करती हूँ। और जी प्रीति मैम, श्रेया ने तो अपना टाइम टेबल बता दिया कि किस तरह से वो 4 hours करके अपनी पढ़ाई करती हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से पढ़ाई का सही टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? जी मैम, ऐसा जो बच्चों का जो टारगेट होता है उसको अचीव करने में जो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अगर स्टूडेंट एक टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में फोकस करेंगे तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो टाइम मैनेजमेंट में देखा जाए तो एक प्राइम टाइम होता है, जिस टाइम में जो हमारी जो एनर्जी लेवल होती है, हमारा जो उत्साह होता है किसी काम को करने के लिए, और जो हमारी कैपेसिटी होती है वो बाकी टाइम के अगेंस्ट ज़्यादा होती है। तो हमें अपने प्राइम टाइम में सबसे पहले अपने स्टडी को देना चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स के लिए वही होती है। तो अपना पहले प्राइम टाइम का वो यूज़ कर लें, और उसके बाद जो बाकी का जो शेड्यूल बचता है, बाकी का जो टाइम बचता है, वो उसमें अपनी अदर एक्टिविटीज़ को करें। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर वो अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को भी मैनेज करके चलेंगे तो वो ऑफिसली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर अच्छा स्कोर करना है तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस बीच श्रेया, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी भी अभी कर रही होंगी, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी, पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, आप अदर एक्टिविटीज़ जो करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, आप कैसे सारी चीज़ों को आप मेंटेन करते हैं? स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, कैसे आप सारी चीज़ों को मेंटेन करती हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस जब होता है, जब हम एक साथ प्रेशर के साथ पढ़ते हैं, देन अगर हम सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम अगर वर्क करें तो जिससे क्या होता है कि हमारे ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है और पढ़ाई भी अच्छे से की जाती है। देन बेसिक्स जो रहते हैं, अगर बेसिक्स क्लियर होते हैं तो प्रेशर की कोई मतलब प्रेशर नहीं आता। देन मेरा जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी डेली हेल्थ को भी मेंटेन करती हूँ, और हेल्थ मेंटेन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी तो हमारी पढ़ाई में डिस्टरबेंस भी होगा। इसके लिए मतलब हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ साथ मैं अपने
जो माइंड को है वो फ्रेश रखती हूँ, जिसके लिए अगर मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो कुछ कुछ मिनट्स में ब्रेक लेती हूँ और उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को टाइम देती हूँ। मैं श्रेया आपसे ही अगला सवाल करना चाहती हूँ कि आपने अपने करियर के लिए क्या सोचा है, किस फील्ड में जाना चाहती हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं, क्या एम आपने डिसाइड किया है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्ट्रीम PCM है और मैं PCM से इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। आगे मेरा जो करियर है वो इंजीनियरिंग में बनाना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे आगे चलकर BTech करना है, जिसके लिए मैंने CS ब्रांच डिसाइड की है। और मैं अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हूँ और मेरा करियर जो है वो मैं इस फील्ड में बनाना चाहती हूँ। जी प्रीति जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि बच्चे सही दिशा में आगे बढ़े अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से, वो जिस क्षेत्र को वो चुन रहे हैं उसमें वो आगे बढ़े। इसके लिए ज़रूरी होता है कि बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग की जाए, साथ ही उनका क्या एम है, क्योंकि बच्चे कई बार डिसाइड नहीं कर पाते, स्टूडेंट कई बार डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, या कई बार दोस्तों की बातों में आके और कई बार आसपास के वातावरण को देखकर वो चूज़ कर लेते हैं जो उनके हिसाब से सही नहीं होता। तो कैसे बच्चों की आप काउंसलिंग करती हैं स्कूल में? जी मैम, ऐसे 10th के बाद ही हमारे स्कूल में हम करियर काउंसलिंग जैसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हमने अभी कोरोना के पहले भी कार्यक्रम कराया था, तो जिसमें सिविल जज और SP और जो लॉयर्स थे उन्हें इनवाइट किया गया था, जो बच्चों को उनके गोल से रिलेटेड और उनके जो सवाल थे उनके जवाब के लिए दिए गए उसके द्वारा। और हम बच्चों को इसके अलावा जब वो स्ट्रीम चूज़ करते हैं 10th के बाद, जब 11th में एडमिशन लेते हैं, तो पेरेंट के साथ बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। कि ऐसा ऑब्वियसली देखा गया है कि माँ बाप या बच्चे जो अपने फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, या जो पेरेंट्स ने उन्हें कह दिया कि हमें ये सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है या आपको डॉक्टर ही बनना है, तो वो प्रेशर के साथ में वो सब्जेक्ट ले लेते हैं, बट उनका उसमें कुछ रुचि नहीं होती है। तो इसको देखते हुए हम दोनों की काउंसलिंग करते हैं साथ में, हम पेरेंट्स को भी चाहते हैं कि वो क्या कराना चाहते हैं बच्चों को, और बच्चे से भी पूछते हैं कि वो क्या करना चाहता है आगे, क्योंकि जी अगर उसकी रुचि उस क्षेत्र में नहीं है और अगर वो पढ़ेगा तो उसका मन भी नहीं लगेगा और अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा वो। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अवेयर किया जाए कि बच्चे जो करना चाहते हैं उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने दिया जाए, और जो वो सब्जेक्ट ले रहा है फिर उसके बारे में हम करियर काउंसलिंग और हमारे जो मोटिवेशनल जो फंक्शंस होते हैं उसके द्वारा, मोटिवेशनल सेमिनार के द्वारा हम बच्चों को बताते हैं कि वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकते जी हैं। प्रीति जी, ये जो स्कूल लाइफ होती है वो काफ़ी नाजुक मानी जाती है। बच्चे अपना लक्ष्य तो डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिशा में उनको आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एज के चलते, क्योंकि स्कूल लाइफ होती है ऐसी है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे उनको चिन्हित करती हैं या कैसे उनका आप मार्गदर्शन करती हैं? जी मैम, वैसे जब क्लासेस में हम रहते हैं और क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें ऐसा कुछ लगता है किसी बच्चे का कि उसका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी काउंसलिंग हम आफ्टर क्लास लेते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है या वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है। अगर उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको समझते हैं हम, या उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में है, तो उसे उसको समझाते हैं और ये बताते हैं कि स्ट्रेस ठीक है, कि अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए स्ट्रेस ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि वो अपने हेल्थ पर इफेक्ट पड़े या आप अपनी लाइन को छोड़कर किसी अदर लाइन को पकड़ लें जिससे कि आपका करियर ख़राब हो जाए। तो इसके लिए हम उसकी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं जिससे वो बिल्कुल अपनी राह ना भटके पर्सनल और अपने लक्ष्य को काउंसलिंग करके, प्राप्त कर बिल्कुल सके। मैम पर्सनल काउंसलिंग करके बच्चों को सही दिशा दी जा सकती है। अगर वो किसी गलत रास्ते पर भी आगे बढ़ रहे हैं या उसके दिशा में भी हैं, तो अगर सही समय पर उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनको गलत चीज़ों पर जाने से रोका जा सकता है। श्रेया, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? मैम, प्रेजेंटली तो इंजीनियरिंग कॉलेज तो बहुत सारे हैं, बट जब से मैंने बंसल कॉलेज विजिट किया है तो उसके बाद मैंने ये देखा है कि वहाँ पर पर्सनैलिटी ट्रेनिंग और वहाँ के सिलेबस वगैरह बहुत अच्छे से कराए जाते हैं। उन्हें अच्छे से अच्छे सिलेबस के साथ में प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, जिसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स है जो इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली कर नहीं पाते हैं, तो उन्हें बंसल कॉलेज की तरफ से बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि धार अदर और अदर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर बंसल कॉलेज की जो बसेस वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें बंसल कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कम प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जी मैं आपसे ही श्रेया अगला सवाल करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, और जब हम बच्चों से बात करते हैं, वैसे भी करते हैं या कार्यक्रम के माध्यम से भी, हम जब स्टूडेंट से, आपके जैसे स्टूडेंट से जब बात करते हैं, तो उनका एक ही जवाब जो रहता है, वो कॉमन रहता है कि हम सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप क्या सोशल मीडिया यूज़ करती हैं और सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताती, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ऐसा होता है कि वो वक्त इतना ज़्यादा बिता देते कि उनको ही नहीं पता चलता कि वो कब पढ़ाई से दूसरी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो देखने लगते हैं। आप इस चीज़ को कैसे समझती हैं और सोशल मीडिया को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? यस मैम, बेसिकली तो आजकल कोई भी नहीं है जो सिर्फ पढ़ाई के पर्पस से मोबाइल यूज़ करे या सोशल मीडिया को यूज़ करे। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर दे देते हैं। बाकी मैं जो सोशल मीडिया पे एप्स यूज़ करती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। जो व्हाट्सएप पे हमारे स्कूल द्वारा जो ऑनलाइन क्लास कोरोना के चलते जो ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मैं उसे देखती हूँ। देन अगर मेरे कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं गूगल पे उसे सर्च करती हूँ, और कुछ वीडियोस वगैरह जो है मैं यूट्यूब से समझ लेती हूँ, डाउट्स वगैरह अगर कुछ रहते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। और वैसे तो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करने का कोई मतलब वैसे तो यूज़ करने के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे जो डाउट्स है वो हम स्कूल में भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ये बोल सकती हूँ कि जो सोशल मीडिया है, नॉर्मली हम हमेशा उस पे पढ़ाई के पर्पस से तो नहीं, लेकिन अगर कुछ, अगर म्यूज़िक वगैरह सुनना हुआ, म्यूज़िक सुनने के लिए हम सोशल मीडिया का यूज़ कर लेते हैं। देन उसके साथ साथ ही व्हाट्सएप वगैरह, नॉर्मली अगर किसी रिलेटिव से कॉल पे बात करनी हो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। बाकी मैं जी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई के पर्पस से ही सोशल मीडिया को यूज़ करती हूँ और व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ। जी प्रीति जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे समझना चाहूँगी कि जो आज का दौर है वो ऑलराउंडर का है। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो ऑलराउंडर बने, इंटेलेक्चुअल हो, सोशली एक्टिव हो, अवेयर हो हर चीज़ से, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है। और अगर बच्चे ऑलराउंडर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो इस दौड़ में पिछड़ते नज़र आते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपके स्कूल में कैसे बच्चों को ऑलराउंडर बनाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, किस तरह से बच्चों का जो विकास है, हर तरह से चहुमुखी विकास बच्चों का हो सके, किस तरह से आपके स्कूल में किया जाता है? जी मैम, अभी जो देखते हैं हम कि जो अपना एज जो है, अभी जो मॉडर्न एज चल रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी एजुकेशन भी देते हैं हम, और साथ ही वो ऑलराउंडर बने इसके लिए उन्हें जो सारी एक्टिविटी है, और वो अपने आप को अगर उनके पास नॉलेज है और वो नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉलेज उनके किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए हम बहुत सारे प्रेजेंटेशंस उनसे लेते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट वर्किंग मॉडल बनाते हैं और उनसे प्रेजेंटेशन लेते हैं, ताकि वो अपना जो जो उन्होंने स्टडी किया है, जो उन्होंने नॉलेज थ्योरिकल लिया है उसे वो प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सके। साथ में डांस एक्टिविटी हुई और जो म्यूज़िक एक्टिविटी है, सारी ऑलराउंड एक्टिविटी जो उनको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, उनके फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई बच्चे जो हैं वो एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बाकी चीज़ों में नहीं होंगे। किसी का स्पोर्ट्स में होता है तो वो आगे उसमें बढ़ सके, कराटे में ग्रीन बेल्ट तक जा सकें, जो वो अचीव कर सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ डांसिंग कुछ का बहुत बेस्ट होता है वो उसको लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, और म्यूजिक में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को ओवरऑल सारी एक्टिविटी हमारे जेपीएस स्कूल विद्यालय द्वारा दी जाती है, ताकि वो अपना फ्यूचर हर फील्ड में बना सकें। जी प्रीति जी, आपने जिक्र किया कि जैसे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो वो अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें कई बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, डांसिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन मैम कई बार हम देखते हैं
कि बच्चे होते उस एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं, प्रतिभा भी उनमें बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत डरते हैं आगे बढ़ने से। जो उनका शाय नेचर होता है वो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो कैसे इस तरह के बच्चों को एक और एक शिक्षक के तौर पर ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना बहुत चुनौती भरा काम होता है। तो प्रीति जी, मेरा सवाल यही है कि ऐसे बच्चों को किस तरह से आप आगे बढ़ाती हैं? जी मैम, जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपसे बात हुई पर्सनल काउंसलिंग को लेकर, तो हम क्लास में बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं। जब एक्टिविटी उसे दी जाती है, मान लीजिए ड्राइंग एक्टिविटी या सिंगिंग क्लासेस में जा रहा है या म्यूजिक क्लासेस में, तो देखते हैं हम कि वो उसमें कितना इन्वॉल्व है या अपना कितना बेस्ट दे पा रहा है। और अगर वो थोड़ा बहुत उसे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि वो जो उसका शाय नेचर, उसके पेरेंट्स से ये बात करते। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती या फैमिली की वजह से वो आगे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है कि एक्टिविटी में नहीं जाना है, आप सिर्फ पढ़ने जाते हो, आपको पढ़ने पर ही फोकस करना है। तो इस वजह से भी जो बच्चे होते हैं वो आगे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी हम पेरेंट्स से ये बात करते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि हर जगह एक्टिविटी के साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ दोनों ही चीज़ें उन्हें मैनेज करना है और अपने करियर को आगे बढ़ाना है। क्योंकि अभी जो एज है वो है आप प्रैक्टिकली या प्रेजेंट कितना कर पाते हैं अपने आप को। जी श्रेया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने लक्ष्य को लेकर क्या सोचती हैं, और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त आपको, क्या मैसेज आप सभी को देना चाहती हैं? मैम, सबसे पहले मैंने तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। आज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा जो गोल है, अगर मैंने वो अचीव कर लिया, तो जितनी भी एक फेम, जो फेम होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ तो हर चीज़ अचीव कर लूँगी। साथ ही साथ मुझे सपोर्ट, स्कूल द्वारा भी बहुत सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। हमारे प्रिंसिपल सर, मैम, टीचर्स, फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं, जिससे मुझे कोई भी अगर क्वेरीज है, पर्सनल क्वेरीज या फिर घर को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो मैं स्कूल में मैम से डिस्कस करती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे हर चीज़ की हेल्प मिलती है। आगे चलकर ट्वेल्थ के बाद हमारे स्कूल से जेई, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ लास्ट 2 ईयर्स से हमारे स्कूल से हर तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड की गई है। इकोनॉमिकली भी हमारे स्कूल से हमें बहुत हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जिसके साथ साथ ही हम आगे हमारे गोल को अचीव कर सकें। और अभी तो मेरा जो मेन टारगेट है वो 12th में हाई स्कोर करना है। और MP इंदौर में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, जी प्रीति जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसा कि श्रेया ने जिक्र किया कि वो 12th में अच्छा स्कोर करना चाहती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, आप बताइए। मैम, जैसे श्रेया ने कहा, अभी जैसे हमारे यहाँ स्कूल का जो लास्ट था, बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो 96% तक उन्होंने अचीव किया है। और लास्ट ईयर जो JPS स्कूल का जो रिज़ल्ट रहा है वो 100% रहा है। और काफ़ी बच्चों ने जो MP द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने लैपटॉप योजना के तहत बच्चों ने लैपटॉप भी अचीव किया है। तो अभी इस बार ऐसा है कि हमारे पूरे स्कूल ने कमिटमेंट किया है श्रेया के साथ, हमारी पूरी क्लास ने, 12th क्लास ने, कि हम 100% रिज़ल्ट ला के दिखाएंगे और अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। इसके लिए हम इनको पूरी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और बाकी बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपना 100% स्कोर करें, जिसके लिए अपना टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ वो जो नोट्स कोचिंग स्कूल द्वारा दिए जा रहे हैं उसको अच्छे से स्टडी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि वो आगे अच्छा स्कोर जी कर सकें। मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छे सूत्र आपने दिए। बच्चे जो तमाम जुड़ रहे, देख रहे होंगे आपको, उसमें सहायता उनको मिलेगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।